यस सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम कशफ, मैंने जारून को बुलाया था ताकि तुम दोनों बात कर सको, और इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा, तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। बैठो। जरूर चाय या कॉफी? खाना वैसे पहले तुम और कशफ बात कर लो, शायद उसके बाद तुम्हारी भूख ही मर जाए। मैं चाय भिजवाता हूं तुम्हारे लिए। और अब ये 2 घंटे मेरा दिमाग खाएगा। लंबी लंबी वजाहतें, दलीलें, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैंने कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। सफाइयां, वजाहतें और फिर झूठे वादों की एक लंबी फहरिस्त। ये मर्द कितने टिपिकल होते हैं। كشف सबसे पहले तो आई एम सॉरी अपनी हर उस बात के लिए जिसकी वजह से तुम्हें कुछ शिकायत हुई या तुम्हारा दिल दुखा हो। मेरे पास फिलहाल तुम्हें अपॉलॉजी देने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरा यकीन करो तो आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। बस इतना ही कहेगा मुझसे और कुछ नहीं। मैं तुम्हें अपनी अच्छाइयों का यकीन तो नहीं दिला सकता, ना तो मैं कोई दलील पेश करूंगा और ना ही कोई वजाहत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें उस चीज के बारे में कन्विंस ही नहीं कर सकता जो तुम जानती नहीं हो। हाँ, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूं। कब तुम्हें पसंद किया, कब तुम्हें चाहने लगा और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं अपनी गलतियों की तराफी करना चाहता हूं, तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, बस। अब इसके बाद अगर तुम इनकार करोगी तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान समझूंगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से उस लड़की को खो दिया होगा जो मेरे लिए बहुत खास है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो रिजेक्ट करती हो तो चॉइस इज योर्स। ओ, क्या कर रहे हो यार? I'm sorry.